हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम एयर वेसल के बारे में बताएंगे कि एयर वेसल कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे साथ इस फोटो में एयर वेसल दिख रहा है। सबसे टॉप पोर्शन पे लगा हुआ एयर वेंट है, ये एयर वेंट है। इसके पहले बॉल वॉल लगा है। देखिए, बॉल वॉल को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। और ये एयर वेसल है, सबसे एंड में ड्रेन वॉल लगा हुआ है विद बॉल वॉल। ये ड्रेन वॉल है। देखिए, वाटर निकला, ऐसे देखा आपने, निकला। जैसा कि आप देख लीजिए, ये ड्रेन वॉल है, यहाँ से वाटर निकल जाता है जैसे कि हम लाइन को ड्रेन करना हो। और इस लाइन में ये हाइड्रेंट लाइन से जुड़ा हुआ है, ये बॉल वॉल लगा हुआ है। और ये लाइन हाइड्रेंट लाइन में जाके जुड़ जाता है। तो हम एयर वेसल बेसिकली यूज क्यों करते हैं? एयर वेसल यूज करने का पर्पज़ होता है कि इसके अंदर बेसिकली एयर भरा होता है। जब नीचे से वाटर फिल होता है तो डायरेक्ट अगर हम जो ये एयर वेंट है हेडर के ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा कि हेडर पे डायरेक्ट वाटर इम्पेक्ट करेगा। एयर तो निकलेगा लेकिन हेडर पे इम्पेक्ट करेगा। तो इसके अंदर एयर वेसल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली 1/3 इसमें एयर भरा होता है। एयर वेसल में जब वाटर आता है, एयर वेसल के अंदर आता है, इम्पेक्ट डालता है एयर के ऊपर जो एयर वेसल में फील होता है। तो एयर वेसल के अंदर जो एयर होता है एज ए कंपैक्टर काम करता है, तो कंप्रेस होता है और लाइन पे इम्पेक्ट भी नहीं पड़ता और यहाँ से हमारा एयर निकल जाता है। ये इसका पर्पज़ होता है एयर वेसल यूज करने का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।